छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं विज्ञान विषय में अध्याय 4, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, परमाणु की संरचना, इसका अगला भाग है 3, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो परमाणु सबसे सूक्ष्म कण है, आपको पता है, लेकिन उससे भी सूक्ष्म कण है उसके इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे परमाणु संख्या क्या है। तो परमाणु संख्या के बारे में हम आपको बतलाते हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित केवल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। अब नाभिक क्या है? आपने पढ़ा है कि ये नाभिक है, इसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ नाभिक है, जो नाभिक में दो कण है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो केवल प्रोटॉन की संख्या लेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? परमाणु संख्या। इसे हम जेड अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण देखिए आप, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये ना है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है 1, कार्बन है उसकी परमाणु संख्या है 6। तो यहाँ पर कार्बन में 6 प्रोटॉन है और हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को, प्रोटॉन मतलब धन आवेश, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश पाया जाता है। अभी हमने पढ़ा परमाणु संख्या, अब हम पढ़ेंगे द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या क्या है? नाभिक में उपस्थित, इसकी परिभाषा भी हम लिख रहे हैं, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये देख, न्यूट्रॉन दोनों को हम जोड़ देते हैं, न्यूट्रॉन है एन, तो इन दोनों का योग, और इलेक्ट्रॉन तो बाहर कक्षाओं में चक्कर लगा, इन दोनों का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या। जैसे आप देखेंगे कार्बन, कार्बन का जो द्रव्यमान संख्या है वो है 12। तो कार्बन में ये 12 कैसा 12 आ गया? 6 इसमें प्रोटॉन है और 6 इसमें क्या है? न्यूट्रॉन है। तो दोनों का योग ये क्या कहलाएगा? द्रव्यमान संख्या। अब इसकी हम परिभाषा लिखते हैं, देखिए किसी, ये द्रव्यमान संख्या, इसकी परिभाषा मैं लिख रही हूं,
किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या को आप जोड़ दीजिए तो इसे हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान संख्या। क्योंकि ये कण नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, नाभिक को बोलते हैं न्यूक्लियस, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कणों को हम न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं। ये या है न्यूक्लियॉन भी कहते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो जब भी हम किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या के बारे में बतलाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस तत्व का क्या लिखते हैं, संकेत। तत्व का संकेत लिखते हैं और ऊपर लिखते हैं द्रव्यमान संख्या। और यहां लिखते हैं नीचे उसकी परमाणु संख्या। जैसे आप देख सकते हो उदाहरण, जैसे हमने लिखा कार्बन, तो ये कार्बन का क्या हो गया संकेत, इसका द्रव्यमान है 12 और इसकी परमाणु संख्या है 6। तो जो नीचे लिखी हुई है वो परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन की संख्या, और जो संकेत के ऊपर लिखा हुआ है वो द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो इस प्रकार हम ये द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या इसके बाद हम पढ़ेंगे समस्थानिक। ये परमाणु से संबंधित एक शब्द आता है समस्थानिक। इसमें है एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके गुण तो समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या उनकी, मतलब परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक। क्या बोलते हैं, समस्थानिक। जैसे आप देख सकते हो कि उदाहरण है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं। उसका समस्थानिक प्रोटियम, या इसको सामान्य भाषा में हाइड्रोजन ही कहते हैं। एक है ड्यूटेरियम और तीसरा इसका जो समस्थानिक है वो है ट्राइटियम। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, हाइड्रोजन 1, इसको लिख सकते हैं ये भी 1 है, 2 और ये 3 और ये 1। तो यहाँ पर प्रोटियम में प्रोटॉन एक है लेकिन इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, और ये जो दूसरा है ड्यूटेरियम आप देख रहे हैं, ये जो ड्यूटेरियम इसमें दो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है लेकिन एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान संख्या है इसकी वो 2 है। यहाँ पर भी एक प्रोटॉन है, तो आप तीनों में देखिए प्रोटॉन की संख्या क्या है, बराबर, मतलब परमाणु संख्या तीनों में क्या है, एक एक, लेकिन इनके द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग। तो इस प्रकार ये हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक पाए जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। समस्थानिक इससे मिलता जुलता एक शब्द और है, संभारिक। संभारिक मतलब उसका उल्टा कर दीजिए, जिनमें परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो और द्रव्यमान संख्या समान हो। तो कुछ तत्व ऐसे हैं जैसे हम आपको बता रहे हैं, ये उदाहरण बता रहे हैं, एक तत्व है कैल्शियम और ये आर्गन, कैल्शियम और आर्गन, इनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है,
समान होती है, लेकिन परमाणु संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। आप देखेंगे ऑर्गन का जो परमाणु द्रव्यमान दोनों का क्या है, 40, और परमाणु संख्या एक की 20 है और एक की क्या है, 18। तो हम देखते हैं ये अलग अलग है और द्रव्यमान संख्या समान है। तो ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे समस्थानिकों के अनुप्रयोग। कुछ तत्व हैं प्रकृति में जो समस्थानिक हैं, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक हैं, कुछ कोबाल्ट के भी समस्थानिक हैं जिनका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, और आयोडीन का एक समस्थानिक का उपयोग घेंगा घेंगा रोग गले में हो जाता है, यूरेनियम का एक समस्थानिक है यूरेनियम 235 और यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। इसके एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। अब इसमें से एक प्रश्न है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक में जो कण पाए जाते हैं, अपरमाणु कण मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो आप उनके बारे में पूरा बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको हल करके बता रही हूँ, बाकी आप पाठ पढ़कर अच्छे से उसको करेंगे। तो जैसे ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, एक हो गया प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटियम। इसके जो 3 अवपरमाणु थे जो कण हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और ई मतलब इलेक्ट्रॉन, पी मतलब प्रोटॉन और एन न्यूट्रॉन। तो प्रोटियम में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक होगा, प्रोटॉन भी एक होगा और न्यूट्रॉन 0। ड्यूटेरियम में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन एक होगा। तभी तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ दीजिए तो इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या 2 आ रही है। ट्राइटियम में इलेक्ट्रॉन एक, प्रोटॉन एक और इसमें न्यूट्रॉन 2 होंगे, तो 2 और 1 ये 3 आ गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तीनों में परमाणु संख्या माने प्रोटॉन की संख्या बराबर है, और जितने प्रोटॉन होते हैं परमाणु में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि परमाणु उदासीन कण है। तो इस प्रकार आपको ये उत्तर लिखना है। धन्यवाद।